लखीमपुर खीरी में आशिक के साथ सो रही पत्नी का विरोध एक युवक की मौत का कारण बन गया। पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर सोमवार की देर रात पति की गला दबाकर हत्या कर दी। सुबह काफी देर तक न जागने पर युवक की मां को उसकी मौत की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। वहीं पत्नी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। दरअसल निघासन कोतवाली क्षेत्र में गांव छेरवा खालसा में मंगलवार सुबह अपने ही घर में पत्नी व बच्चे के साथ कच्चे घर में सो रही युवक सतीश कुमार उम्र 37 का शव संदिग्ध अवस्था में चारपाई पर पड़ा मिला। सुबह काफी देर तक न जागने पर उसकी मां फुलवाशा जब उसे जगाने पहुंची तो कोई हरकत न देख अन्य परिजनों को बुलाया गया, तब उसे मौत की जानकारी दी। घर वालों ने उसकी पत्नी से पूछताछ की लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक संजय त्यागी ने घटना का निरीक्षण कर मौके से प्लास्टिक की एक रस्सी और खून से लथपथ एक शाल को बरामद किया। पुलिस ने पड़ोसियों समेत परिवारजनों के बयान दर्ज किए। मृतक सतीश के भाई कैलाश की तहरीर पर पुलिस ने उसकी पत्नी लल्ली देवी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक संजय त्यागी ने बताया कि मामला आशनाई से जुड़ा प्रतीत होता है। मृतक के भाई की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ जारी है। खटिया पर से कहे कि जान बक्सा खरवराज बहू तो कहे लगी कुछ नहीं है, कुछ नहीं तब के नहीं खरवरान तो है तो किया रहे नहीं बताई तो कह जब फिर खरवरान तब हम तो उतर जन तो देहरी पर खड़े हुए जन तो बहू देखे गौर लटके बैठी और भैया ऐसे पकड़े पक्की बात ठीक में एक युवक की मौत हो गई। मौत का क्या काम है? ये सतीश सनक फूलचंद की ढकेरवा खालसा में मृत्यु हुई है, जिसको पे जो है इसी की पत्नी पे संदेह व्यक्त किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा इसका पोस्टमार्टम और पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो भी ये लिख के देंगे उस पर मुकदमा कायम कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।